हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका टेली erp-9 सीखने की सीरीज में। और हम आज सीखने वाले हैं आईजीएसटी के बारे में। आईजीएसटी जब इंटर स्टेट होता है हमारा, स्टेट जब अलग होगी तभी आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि आईजीएसटी जब हम डाल रहे हैं, टैक्स भी हमने टैक्स रेट भी सही डाला है लेकिन कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है। तो जब स्टेट अलग होगा तभी आईजीएसटी कैलकुलेट होगा। तो आइए चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, और हम ऑलरेडी परचेज वाउचर में हैं पहले से, तो यहां अकाउंटिंग वाउचर में हम चलते हैं। तो यहां आ चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। पार्टी का अकाउंट नेम जो है यहां पे, मैं देखिए जो पार्टी है हमारी जो खरीदेगा सामान वो कहां से आया हुआ है, ठीक है। चूंकि हम परचेज वाउचर में है तो पार्टी हमारी कहां की है, यहां पे वो डेट डालेंगे जिस डेट पे खरीदारी हमारी होगी, ठीक। डाल देता हूं 2/4/2019, ठीक है। एंटर प्रेस किया हमने, और पार्टी जो है मोहन डेटर, मोहन नाम की पार्टी है, ठीक है। सप्लायर आपका उत्तर प्रदेश का है, ठीक है। तो यहां मोहन डेटर जो था हमारा, और मोहन सिंह कर देते हैं, ठीक है। लेकिन ये सप्लायर का नाम पूछ रहा है, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। मोहन डेटर आपकी पार्टी है जो कि खरीदारी कर रही है, लेकिन सप्लायर कौन है, यहां रेफरेंस नंबर डाल देता हूं। सप्लायर कोई और होगा तो उस सप्लायर का नाम यहां डालना है, ठीक है। और एड्रेस डाल देते हैं इटारसी एमपी, ठीक है, यानी मध्य प्रदेश, ओके। इंटरफेस किया, यहां पे आए, और यहां स्टेट जो है एमपी डालेंगे हम। तो यहां से देखिए मध्य प्रदेश आ चुका है, इंटरफेस कीजिए आप। और यहां जीएसटीआईएन नंबर अगर है सप्लायर का तो होता ही है, तो यहां पे मैं डाल देता हूं एमपी, और जो इनका जीएसटीआईएन नंबर है वो मैंने डाल दिया, और उसके बाद से इंटर कर दिया। परचेज का यहां लेजर ले लिया हमने। अब ये क्या आइटम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। अब ये इंटरेस्ट स्टेट का मामला है, यानी कि स्टेट अलग है, खरीदार अलग है, ठीक है, और बेचने वाला कहीं और का है, तो ये दोनों चीजें अलग है। तो अब यहां पे मैं कुछ टाइप करता हूं, देखते हैं इसमें क्या क्या स्टॉक हमारे पास मौजूद है। जींस का स्टॉक है, तो 45 आइटम जींस का है, तो यहां से हम चूज कर लेते हैं, और यहां से गोडाउन हम चूज कर लेते हैं। देवरिया का गोडाउन है, और ये 7 आइटम हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम एंटर करते हैं, तो यहां पे हम आ गए, ठीक है। आप देख सकते हैं यहां पे हमने परचेज कर लिया है। उसके बाद नीचे आएंगे, अब दूसरा कुछ आइटम, डेस्कटॉप का आइटम हम परचेज करेंगे, या फिर देखते हैं और क्या अवेलेबल है हमारे पास। कीबोर्ड का आइटम अवेलेबल है, तो 50 आइटम कीबोर्ड के हम परचेज करेंगे यहां से। तो जहां भी अवेलेबल होगा हमारे पास स्टॉक, यहां देखिए गोडाउन पहले से बना हुआ है, उस गोडाउन से उठाएंगे हम, और यहां से परचेज कर लिया हमने। इसके बाद नीचे आएंगे, फिर यहां पर आप डेस्कटॉप परचेज करना है, तो यहां से डेस्कटॉप आप ले सकते हैं। तो डेस्कटॉप कितना अवेलेबल है, 118 डेस्कटॉप हमारे पास अवेलेबल है, तो उसके हिसाब से हमने परचेज करना है। तो हम 50 डेस्कटॉप परचेज कर लेते हैं, तो ये देखिए हमने 50 डेस्कटॉप भी परचेज कर लिया है, क्लियर है। अब यहां पे हमको आईजीएसटी लगाना है, तो जब आप ये टोटल, यहां पे आपको टोटल जो दिखाई पड़ रहा है इससे नीचे आइएगा, तो यहां आपको लगाना है आईजीएसटी। तो आईजीएसटी आपने किया, जैसे ही आईजीएसटी करेंगे तो यहां देखिए अपने आप से आईजीएसटी कैलकुलेट होकर आ गया है, आप देख सकते हैं इसको। और इसके बाद हम इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है, इसको नो रखेंगे हम, यहां से सेव कर लेते हैं। नरेशन में डाल देंगे द गुड्स हैव बीन, ठीक है। इसी तरह से आप सेल्स में भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी डिटेल देखनी है, कहां से जाके देखेंगे हम, डिस्प्ले में जाएंगे, दो बार डी प्रेस कीजिए, और हमने मोहन डेटर के नाम से किया था, तो ये हमारा नीचे वाला जो है यही है, इसको ओपन करेंगे तो ये देखिए। और इसको प्रिंट लेना है तो कंट्रोल के साथ पी दबाइएगा, तो ये प्रिंट भी निकल जाएगा, ठीक है। इसको मैं सेव करता हूं, पहले मोहन डेटर था तो मैं मोहन, इसको मैं सेव करता हूं। अब ये सेव हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि हमारा डिटेल जो है वो कहां गया है, ठीक है, या एडोब एडोब रीडर पे ले लेते हैं, ठीक है। ये चूंकि पीडीएफ फाइल है तो एडोब रीडर पे खुलेगी, तो ये आप इनवॉइस देख सकते हैं इसका, ये इनवॉइस है, आप देख सकते हैं इसको, ओके। तो यहां पे आईजीएसटी कैलकुलेट होकर आ रहा है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आई होगी कि आईजीएसटी किस प्रकार से कैलकुलेट करना है, और आईजीएसटी ना कैलकुलेट हो पाने वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई होगी आपकी, ठीक है।